दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का कंटेंट लेकर आया हूं जो कि आज से पहले ना ही कभी किसी ने आप लोगों को बताया होगा और ना ही कभी किसी ने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके सिखाया होगा। दोस्तों यकीन करें कि अगर आप लोग इस कंटेंट पर काम करते हैं तो गिनती के 3 दिन आप लोगों ने रेगुलर काम करना है, रेगुलर आप लोगों ने 5 से 6 वीडियोज अपलोड करनी है। यकीन करें कि आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोगों के अच्छे खासे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। दोस्तों यकीन करें कि बहुत ही आसान सा काम है, सिंपली आप लोगों ने कॉपी पेस्ट काम करना है, यहां से आप लोगों ने डाटा कॉपी करना है, यहां से डाटा कॉपी करने के बाद यहां पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। इतने काम के आप लोग भी YouTube से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आप लोग सोच नहीं सकते कि आजकल इसका कितना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। जो बंदा भी इस तरह की वीडियोस देखता है वो बंदा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 से 6 वीडियोस लाजमी देखता है। जब एक बंदा 5 से 6 वीडियोस को देखता है, 5 बंदों के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर लें तो यकीन करें कि आप लोग सोच नहीं सकते कि एक दिन के अंदर अंदर कितने ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, कितनी ज्यादा वीडियोज वायरल हो सकती हैं। अगर सच में दोस्तों आप लोग भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, YouTube के जरिए अपनी बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं और अगर आप लोग अपने पेट की भूखें मिटाना चाहते हैं तो फिर जनाब इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। जो बंदा भी इस वीडियो को स्किप करेगा या फिर स्किप कर करके देखेगा तो नुकसान उस बंदे ने अपना करना है, किसी का कुछ नहीं जाना। और मैं ये समझूंगा कि उस बंदे ने इस वीडियो को स्किप नहीं किया बल्कि उस बंदे ने अपने साथ, अपने घर वालों के साथ और अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। बाकायदा वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ऑफर लेकर आया हूं जो कि आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने आप लोगों को नहीं दी होगी। जो बंदा भी इस वीडियो के नीचे कोई से भी 3 अच्छे अच्छे कमेंट करेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी फ्री में प्रमोशन करूंगा और उस चैनल का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी में भी जरूर लगाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करता चला जाऊं कि मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं और प्रैक्टिकल करके सिखा सकता हूं। बाकी मेहनत आप लोगों ने करनी है और रिजल्ट देने वाली अल्लाह पाक की जात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है इंजीनियर अहमद और आप लोग देख रहे हैं इंजीनियर अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये प्रूफ चेक कर लें। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यूट्यूब को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद दोस्तों सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है माइक्रो जूम वीडियो। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि काफी वीडियोस आ जाएंगी। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पर आप लोगों को व्यू ऑल की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने तमाम शॉर्ट वीडियोज आ जाएंगी। दोस्तों आप लोगों के सामने जितनी भी शॉर्ट वीडियोज आएंगी इन पर आप लोगों को अच्छे खासे व्यूज देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों यहां से मैं आप लोगों को कोई भी एक वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आज जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आया हूं इसकी कितनी ज्यादा पावर है, कितना ज्यादा ये ट्रेंड पर चल रहा है। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि फर्ज किया कि मैं ये वाली वीडियो प्ले कर लेता हूं तो सबसे पहले आप लोग ये वाली वीडियो चेक करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि आखिर आज मैं आप लोगों के लिए कौन सा कंटेंट लेकर आया हूं। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि आखिर ये किस तरह की वीडियोस हैं। जो बंदा भी इस तरह की वीडियोस को देखता है वो बंदा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि काफ़ी वीडियोज को देख ही जाता है। अगर आप लोग भी इस कॉन्टेंट पर काम करेंगे तो यकीन करें कि चंद ही दिनों में आप लोग भी यूट्यूब से पैसा कमाने के काबिल हो जाएंगे, आप लोग भी यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं, आप लोग भी यूट्यूब पर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने मेहनत और लगन के साथ काम है। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप लोगों ने एक दिन काम किया, दो दिन काम किया, तीन दिन काम किया, उसके बाद आप लोगों ने कहना कि यार हमारे व्यूज नहीं आ रहे तो मैं इस काम को छोड़ देता हूं। मेरी एक बात याद रखना कि अगर आप लोग इस तरीके से चलते रहेंगे तो आप लोग जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो बंदा भी प्रॉपर तरीके से रेगुलर काम करता रहता है एक ना एक दिन वह बंदा कामयाब जरूर हो जाता है। अल्लाह पाक की ज़ात एक ना एक दिन उस बंदे को जरूर कामयाब करती है। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग भी रेगुलर वीडियोज को अपलोड करते रहेंगे, रेगुलर यूट्यूब पर
काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को जरूर कामयाब करेगी। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ये किसी पाकिस्तानी लड़के का चैनल ओपन किया है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि ये कोई पाकिस्तान का लड़का है जो कि इस कॉन्टेंट पर काम कर रहा है। अभी दोस्तों ये बंदा बहुत बड़ी गलती कर रहा है जिसकी वजह से इसका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि इस बंदे ने अभी तक कितनी वीडियोज अपलोड की हैं, आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 85 वीडियोज अपलोड की हैं और 4000 से भी ज्यादा इस बंदे ने सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग नीचे देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि ये बंदा रेगुलर काम कर रहा है, डेली बेस पर वीडियोज को अपलोड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बंदे का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसके पीछे क्या रीजन है ये भी आप लोग सुन लीजिए। यहां पर मैं दोस्तों आप लोगों को कोई भी एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों इस बंदे ने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि एक तो इस बंदे ने अपना वॉइस ओवर ऐड नहीं किया, दूसरा इस बंदे ने जो म्यूजिक चल रहा है उसको इस बंदे ने म्यूट नहीं किया, उस म्यूजिक को इस बंदे ने बंद नहीं किया। उसके बाद दोस्तों इस बंदे ने ना ही इस वीडियो की कोडिंग को चेंज किया है और ना ही इस बंदे ने किसी भी किस्म की कलरिंग को चेंज किया है, जिसकी वजह से दोस्तों इस बंदे का चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आप लोग भी यही गलती करेंगे तो आप लोग भी पछताएंगे, आप लोगों का चैनल भी कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप लोग मेरी जो कोई वीडियो देखें उस वीडियो को आप लोग स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच किया करें। जब आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं फिर ही आप लोगों को किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों इस बंदे की तरह आप लोग किस तरीके से अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर सकते हो, ये वीडियोस आप लोगों को कहां से मिलेंगी, इन वीडियोस की कोडिंग को आप लोगों ने किस तरीके से चेंज करना है, वॉइस ओवर आप लोगों ने किस तरीके से करना है, चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को यह तमाम तरीकाकार भी सिखा देता हूं। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने टिकटॉक को ओपन करना है। टिकटॉक को ओपन करने के बाद दोस्तों सर्चिंग बार पर आप लोगों ने सर्च करना है माइक्रो जूम वीडियोस। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि हजारों वीडियोस आ जाएंगी। ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, इनमें से आप लोगों ने चंद वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने किस तरीके से इनको एडिट करना है, किस तरीके से आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर अपलोड करना है, चले दोस्तों अभी मैं आप लोगों को ये तमाम तरीकाकार भी बता देता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को इनशॉर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप लोग अपनी वीडियो को किसी भी एप्लीकेशन के जरिए भी एडिट कर सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर दो वीडियोज ले आया हूँ, इन दो वीडियोज को आपस में मिलाकर मैं आप लोगों को एक वीडियो तैयार करने का तरीकाकार बताऊंगा। सेम आप लोगों ने इसी तरीके से काम करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां से दोस्तों आप लोगों ने इस वाले साइज को या फिर इस वाले साइज को सिलेक्ट कर लेना है, जो कोई भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों ने कर लेना है। आप लोगों ने 9:16 यहां से साइज को सिलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों यहां से ये वाला साइज आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर एक आप लोगों को लाइन नजर आ रही होगी, सिंपली आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो इसको इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा सा जूम कर लेना है और अपनी वीडियो की इस तरीके से आप लोगों ने एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इतना काम कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने आगे की तरफ जाना है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को वॉल्यूम की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो इन दोनों वीडियोस के जो वॉल्यूम होंगे उनको आप लोगों ने इस तरीके से बंद कर देना है। यहां पर ये दोस्तों आप लोगों को डबल टिक की ऑप्शन नजर आ रही होगी, जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने अप्लाई टू ऑल की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आप लोग अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जितनी भी वीडियोस होंगी उनका वॉल्यूम यहां से बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने आगे की तरफ जाना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग आगे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को स्पीड की ऑप्शन नजर आ रही होगी, ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है। जैसे ही आप लोग स्पीड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्पीड को इस तरीके से आप लोगों ने 0.8 पर ले आना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने आगे की तरफ जाना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग आगे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि यहां पर आप लोगों को रोटेट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पर आप लोगों को फ्लिप की ऑप्शन नजर आ रही होगी। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है और इसकी साइड को इस तरीके से आप लोगों ने चेंज कर लेना है। दोनों वीडियोज की कोडिंग को सेम इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों ने चेंज कर लेना है। जैसे ही दोस्तों इस तरीके से दोनों वीडियोस की कोडिंग को आप लोग चेंज कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है, यहां पर ये एक आप लोगों को आइकन नजर आ रहा होगा। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस वाले यहां पर आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ट्रांजेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी, यहां से आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। फर्ज किया कि दोस्तों यहां से मैं ये वाली ट्रांजेक्शन लगा लेता हूं तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है कि आप लोगों की वीडियो पर मैंने अभी ट्रांजेक्शन भी लगा दी है।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों वीडियोस में से आप लोगों ने कटिंग भी करनी है, मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने वीडियोस को अपलोड नहीं करना। फर्ज करके दोस्तों यहां से हम लोग इतनी वीडियो ये वाली रख लेते हैं जो फर्स्ट वाली वीडियो है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने स्प्लिट पर क्लिक करना है और यहां से आप लोगों ने हाफ वीडियो को डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो पर आ जाना है, यहां से भी आप लोगों ने क्या करना है हाफ वीडियो को लेना है और हाफ वीडियो को यहां से आप लोगों ने रिमूव कर देना है। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 50 से 55 सेकंड की वीडियो को अपलोड करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आप लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं करनी। जैसे ही दोस्तों इस तरीके से आप लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप लोगों की वीडियो 50 से 55 सेकंड की तैयार हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को फिल्टर की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को दोस्तों एक और मजीद फिल्टर की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने आगे की तरफ चलते जाना है। यहां पर ये दोस्तों आप लोगों को एक फिल्टर नजर आ रहा होगा, ये देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस वाले फिल्टर पर इस तरीके से क्लिक करना है और इसकी रेजोल्यूशन को यहां से आप लोगों ने थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने बैक चले जाना है, दोनों ही वीडियोज का कलर आप लोगों ने इस तरीके से चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को म्यूजिक की ऑप्शन नजर आ रही होगी, सिंपली आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नजर आ रही होगी और यहां पर आप लोगों को म्यूजिक प्लस की ऑप्शन नजर आ रही होगी। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों ने कुछ इस तरीके से वॉइस ओवर करना है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो आप लोग लेस खाते हैं, पापड़ खाते हैं, उनके अंदर कौन कौन से जरासीम होते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों के सामने खुलकर लेकर आया हूं, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हो तो आज के बाद आप लोग पापड़ खाना छोड़ देंगे, आप लोग लेस खाना छोड़ देंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से वॉइस ओवर कर देना है। मैंने दोस्तों आप लोगों को वैसे ही रैंडमली करके दिखाया है, मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉइस ओवर करना है, जो कोई भी वीडियो में एक्टिविटी हो रही होगी उसी तरीके से आप लोगों ने भी वॉइस ओवर कर देना है या फिर आप लोग अपने माइंड के मुताबिक कोई भी स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहां पर वॉइस ओवर कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप लोग वॉइस ओवर कर लेंगे, उसके बाद अगर आप लोग यहां पर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक आप लोगों को यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से मिल जाएगा, वहां से आप लोगों ने उठाना है और यहां पर आप लोगों ने लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पर आप लोगों को इंश्योर का वाटरमार्क नजर आ रहा होगा, सिंपली आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने फ्री रिमूव की ऑप्शन आ जाएगी, आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐड चलेगी, उस ऐड को आप लोगों ने मुकम्मल देख लेना है। जैसे ही उस ऐड को आप लोग देख लेंगे तो यहां से आप लोगों का इंश्योर का वाटरमार्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऊपर ही आप लोगों को सेव की ऑप्शन नजर आ रही होगी, सिंपली आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की वीडियो सेव होकर आप लोगों की गैलरी में चली जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब पर जाकर किस तरीके से अपलोड करनी है वो तमाम तरीकाकार भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने YouTube को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने यहां पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने शॉर्ट वीडियोस की ऑप्शन आ जाएगी, सिंपली आप लोगों ने शॉर्ट पर क्लिक करना है तो आप लोग सीधा अपनी गैलरी में चले जाएंगे। आप लोगों ने अपनी गैलरी से उस वीडियो को उठाना है जिसको अभी आप लोगों ने एडिट किया था, जिसको आप लोगों ने सेव किया था, उसको यहां पर लाकर आप लोगों ने अपलोड कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग अपलोड करने लगेंगे तो आप लोगों ने इन वाले हैशटैग का लाजमी यूज करना है। अभी आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करें, स्टॉप करने के बाद इन हैशटैग को आप लोग किसी भी रफ कॉपी पर नोट कर लें। नोट करने के बाद दोस्तों जब भी आप लोगों ने वीडियोस को अपलोड करने लगना है इन वाले हैशटैग को आप लोगों ने लाजमी यूज करना है। बैक चले जाने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को अनलिस्टेड की ऑप्शन नजर आ रही होगी, सिंपली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने पब्लिक वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहां पर पब्लिक को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट ऑडियंस की ऑप्शन नजर आ रही होगी, सिंपली आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से दोस्तों आप लोगों ने इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर ये अपलोड शॉर्ट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, सिंपली आप लोगों ने यहां पर क्लिक करना है और यहां से आप लोगों ने अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। डेली बेस पर दोस्तों आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक काम करना है। डेली बेस पर आप लोगों ने क्या करना है कि 5 से 6 वीडियोज को अपलोड करना है। अगर आप लोग रेगुलर 1 वीक काम कर लेते हो तो यकीन करें कि आप लोगों को बहुत अच्छा
अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोग मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तमाम तर तरीकाकार आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर लाजमी करना है, अगर आपके शेयर करने की वजह से किसी का भला होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई नेकी हो ही नहीं सकती। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।